नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ट्रेन की जर्नी हो या बस की जर्नी, माता पिता अपने छोटे बच्चों का हाफ टिकट लेते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे में किन बच्चों का हाफ टिकट लगता है और अब यह व्यवस्था क्यों बदल चुकी है। आपको बता दें कि रेलवे में 160 साल पुराना एक नियम था जिसमें बच्चों की हाफ टिकट लगा करती थी, लेकिन अब इस सुविधा को रेलवे ने ख़त्म कर दिया है। यानी कि अगर आपका बच्चा 5 साल या उससे बड़ा है तो आपको बच्चे की पूरी टिकट लेनी होगी। आपको बता दें कि इस व्यवस्था के अनुसार अगर मान लीजिए आपके टिकट की राशि 970 रुपये है तो 5 साल से अधिक के बच्चे की पूरी राशि आपको देनी होगी। ऐसा उस स्थिति में लागू होगा जब पेरेंट्स बच्चों के लिए पूरी सीट रिज़र्व करना चाहते हैं। अगर पूरी सीट रिज़र्व नहीं करना चाहते हैं तो वह पहले की तरह हाफ टिकट यानी कि 485 रुपये दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें बच्चे को अपने साथ ही सुलाना होगा। आपको बता दें कि यह नियम 5 से 12 साल के बच्चे तक लागू है, यानी कि 5 से 12 साल तक के बच्चे का आप हाफ टिकट तो ले सकते हैं लेकिन उसको सीट पर आपको अपने साथ ही सुलाना होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 12 साल से बड़ा है तो आपको फुल टिकट लेना होगा। पहले जो व्यवस्था थी उसमें 5 से 12 साल के बच्चों को आधे किराए पर पूरी सीट मिल जाती थी। हालांकि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बिना टिकट का नियम पहले की तरह अभी भी लागू है। आपको बता दें कि इन नियमों के अनुसार आप आसानी से ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि आप इन्हें अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।